ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच में दोस्तों वर्ल्ड कप का मैच नंबर 18 खेले जाने वाला है चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु पे। और दोस्तों ये इस वेन्यू पे इस वर्ल्ड कप का पहला मैच होगा। बाकी पाकिस्तान के प्लेइंग 11 पे आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस दिख सकते हैं, क्योंकि काफी प्लेयर्स फीवर से डाउन है, तो हो सकता है कि प्लेइंग 11 पे आप लोगों को चेंजेस दिखे। क्या चेंजेस हो सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को पता चल जाएगा। बाकी दोस्तों आप लोगों के मन पे बहुत सारे डाउट्स भी होंगे। पहला डाउट तो यही है कि चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु पे ये पहला मैच होने वाला है, तो यहां का पिच कैसा बिहेव करने वाला है। सेकंड डाउट रहता है दोस्तों आप लोगों के मन पे कि ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान, इन दोनों में से कौन सी टीम यहां पर इस वेन्यू पे बेहतरीन परफॉर्मेंस करेगी और कौन से टीम के जीतने के चांसेस ज्यादा है, किसे कैप्टन करना है, मतलब बैटिंग वाले सेक्शन से कैप्टन रखेंगे या बॉलिंग वाले सेक्शन से हमें कैप्टन रखना है, वाइस कैप्टन के इंपॉर्टेंट कंटेंडर कौन रहने वाले हैं। बाकी दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद सारे डाउट्स आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स भी आप लोगों को पता चलेंगे जो कि इस पर्टिकुलर मैच पे बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं, लेकिन कोई उन्हें लेने को तैयार नहीं है। आप लोगों ने उन प्लेयर्स को पक्का से पिक करना है। बाकी चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु, जहां पर कि यह मैच खेले जाने वाला है, पिच का बिहेवियर कैसे रहने वाला है। ओके दोस्तों, अगर आप लोगों को बताऊं चिन्नास्वामी स्टेडियम पे दोस्तों इस वर्ल्ड कप पे 5 मैच होने वाले हैं, जिनमें 3 पिचेस का सिलेक्शन हुए हैं, ठीक है ना, 3 पिच सिलेक्ट हो रखे हैं। इन 3 पिच पे दोस्तों इस वर्ल्ड कप के 5 मैच होने हैं और एक स्टैंड बाय पिच भी सिलेक्ट हो रखी है। क्लियर? अब जो ये 3 पिच सिलेक्ट हो रखी है ना दोस्तों, ये तीनों पिच यहां पर रेड सॉइल पिच है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब जब पिच रेड सॉइल पिच होती है ना, तो उस पिच पे क्या होता है, कैसे आप लोगों ने टीम बनाना होता है और पिच कैसा बिहेव करता है, उस बात को समझो। दोस्तों जो रेड सॉइल की पिच होती है ना, यहां पर जब टीम फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करने आती है तो यहां पर पेसर को एडवांटेज रहता है, फर्स्ट इनिंग्स पे स्पिन को उतना एडवांटेज नहीं रहता है। सेकेंड इनिंग्स में दोस्तों यहां पर पेसर और स्पिनर इक्वली एडवांटेज पे आ जाते हैं, क्योंकि पिच थोड़ी सी स्लो होती है, रेड सॉइल की पिच जनरली स्लो नहीं होती है, बट हाँ जब उस पे 70 ओवर हो जाता है ना, तो उसके बाद पिच थोड़ी सी स्लो होती है, तो सेकेंड कंडीशन पे पेसर और स्पिनर दोनों इक्वल एडवांटेज पे आ जाते हैं। बट दोस्तों रेड सॉइल की पिच क्या होती है मालूम है, बैट्समैन फ्रेंडली पिच होती है, इसीलिए इस वेन्यू पे जो मैचेस खेले गए हैं आप लोग देखो यहां पर कितने बड़े बड़े स्कोर हो रखे हैं पहले। और अगर आप लोग देखोगे यहां पर देखोगे इस मैच में ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में 2017 में खेला गया था, 334 रन बनाए थे ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 5 विकेट के नुकसान पे, 4 विकेट पेसर को मिले, स्पिन को देखो सिर्फ 1 विकेट मिला। सेकेंड इनिंग्स पे इंडिया की टीम जब खेलने आई, इस रन को चेस करने आई, तो 313 तक तो पहुंच गई, 8 विकेट गिरे, दोबारा देखो 6 विकेट पेसर को मिला और स्पिन को सिर्फ 1 विकेट मिला। क्लियर? यहां भी देखोगे 2020 के मैच में भी देखोगे पेसर को ज्यादा विकेट्स मिले हुए, क्यों, क्योंकि रेड सॉइल के पिच पे दोस्तों पेसर को एडवांटेज रहता है। बाकी दोस्तों अगर बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान की टीम की ना, तो ऑस्ट्रेलिया की टीम थोड़ी सी यूज्ड टू है रेड सॉइल पे मैचेस खेलने की, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन को अच्छा लगता है जब बॉल बाउंस करे और बैट तक इजीली कैरी करे, और पाकिस्तान के बॉलर्स के पास पेस तो है ही है, तो एक बैलेंस ही मैच रहने वाला है दोस्तों। और आप लोगों ने यहां बैटिंग वाले सेक्शन को डोमिनेट करते हुए अपने टीम को क्रिएट करना है। कैसे टीम को क्रिएट करेंगे, क्या मेरी टीम रहने वाली है, इस वीडियो के एंड तक आप लोगों को सब कुछ पता चल जाएगा। बाकी दोस्तों ये वही पिच है जहां पर 2011 में ना इसी वेन्यू पे आप लोगों को पता होगा आयरलैंड के टीम ने इंग्लैंड को हराया था, और मालूम है कितने रन चेस किए थे इस मैच पे, वर्ल्ड कप का ही मैच था दोस्तों, और यहां पर 328 रन चेस हुए थे दोस्तों, आयरलैंड के टीम ने चेस किया था अगेंस्ट इंग्लैंड, तो यहां पर रन तो बनते हैं, इस बात को आप लोग मान के चलो। और आयरलैंड जैसी टीम जब इंग्लैंड जैसी टीम के सामने 328 रन चेस कर सकती है ना, तो सेकेंड इनिंग्स पे भी पिच का बिहेवियर बेहतरीन रहने वाला है। बाकी दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात,
सपोज करो इस पिच के बिहेवियर पे जो डिस्कशन हम लोगों ने आप लोगों के साथ किया, या जो टीम हम लोग यहां पर क्रिएट करके जाएंगे, या प्लेइंग 11 पे कहीं भी कुछ भी चेंजेस होते हैं, तो मैं आप लोगों को अपडेट दूंगा। कहां अपडेट दूंगा दोस्तों? अपने टेलीग्राम ग्रुप पे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन पे मिलेगा। क्रिकेटोलॉजिक नाम से आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा। आप लोगों ने नीचे जो लिंक दे रखा है ना, उसी लिंक को क्लिक करके इस ग्रुप को ज्वाइन करना है। बाकी दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आता है और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो आप सभी भाइयों से, दोस्तों से रिक्वेस्ट है, यूट्यूब के चैनल को पक्का से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 4,80,000 फॉलोवर्स हो चुके हैं और टारगेट रखते हैं इसी वर्ल्ड कप में 5,00,000 सब्सक्राइबर की। और मुझे पता है अगर आप लोग चाहोगे ना, तो 10 दिन पे इस टारगेट को अचीव कर सकते हो। तो सभी भाइयों से और दोस्तों से रिक्वेस्ट है, टेलीग्राम ग्रुप को पक्का से ज्वाइन कर लीजिएगा और यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब पक्का से कर दीजिएगा। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे ना तो वीडियो को लाइक भी पक्का से करके जाइएगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सेक्शन वाइज एनालिसिस स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है। प्लेइंग 11 की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों यहां पर ऑस्ट्रेलिया की टीम में मिचेल मार्श और डेविड वार्नर ओपन करते हैं। फर्स्ट डाउन पोजीशन पे स्टीवन स्मिथ आते हैं, फिर मानस लभूषण आते हैं, फिर आप लोगों को विकेट कीपिंग करते हुए जोश इंग्लिश दिखते हैं, फिर ऑलराउंडर वाले सेक्शन पे ग्लेन मैक्सवेल और मार्कस स्टोइनिस दिखते हैं, फिर बॉलिंग वाले सेक्शन पे मिशेल स्टार्क, पैट क्यूमिंस, एडम जैम्पा और जोश हेजलवुड दिखते हैं। बाकी पाकिस्तान की टीम पर जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि काफी प्लेयर्स फीवर पे है अभी के टाइम पे, तो कंफर्मेशन नहीं है दोस्तों अभी के टाइम तक कि कौन खेल रहा है, बट कौन कौन से प्लेयर यहां पर आप लोगों को खेलते हुए या जिनके साथ डाउट है उसे देख लो। इमामुल हक खेलेंगे, अब्दुल शफीक को दोस्तों अभी के टाइम पे फीवर है तो स्टार लगा के रखना। हो सकता है कि यहां पर आप लोगों को दोबारा से फकर जमान खेलते हुए दिखे, बट फकर जमान को भी नी इंजरी है, क्लियर, इस बात को ध्यान रखिएगा। बाकी उसके बाद बाबर आजम खेलेंगे, मोहम्मद रिजवान खेलेंगे, शौद शकील भी थोड़े से फीवर पर है बट उतना नहीं है जितना अब्दुल शफीक है। बाकी इफ्तिकार अहमद खेलेंगे, शदाब खान खेलेंगे, मोहम्मद नवाज खेलेंगे, हसन अली खेलेंगे, शाहिनशाह अफरीदी को भी दोस्तों फीवर है, मतलब जो अब्दुल शफीक है और शाहिनशाह अफरीदी है ना, ये दोनों क्वारंटाइन है अभी के टाइम पे, तो अगर शाहिनशाह अफरीदी नहीं खेलते हैं तो वसीम जूनियर खेलेंगे आप लोगों के यहाँ पर, इस बात को ध्यान रखिएगा। बाकी हरीश राव तो इस मैच को खेलने वाले हैं। तो क्या चेंजेस हो सकते हैं प्लेइंग 11 पे, आप लोगों को पता चल गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जरूरी बात दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने माय 11 सर्कल ऐप को डाउनलोड नहीं किया है ना, तो यहां पर ना मेगा ग्रैंड लीग पे, सीरियसली बता रहा हूं, मैं खुद खेलता हूं यहां पर, यह नहीं है कि मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, मैं पर्सनली यहां पर खेलता हूं। क्यों मालूम है? क्योंकि मुझे बताया कि यार यहां पर कॉम्पिटिशन कम है और प्राइस मनी तो सेम ही है, कहां 2 करोड़ स्पॉट पे खेलना और कहां 20 लाख स्पॉट पे खेलना, जमीन आसमान का अंतर है दोस्तों। बाकी प्राइस मनी की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आप लोगों को 1 करोड़ रुपए का कैश अवार्ड मिलता है, साथ ही साथ आप लोगों को यहां पर हर मैच पे, किसी मैच पे यूरोप का ट्रिप मिल रहा है, किसी मैच पे दुबई का ट्रिप मिल रहा है, किसी मैच पे आप लोगों को चमचमाती महिंद्रा थार मिलती है, तो किसी मैच पे आप लोगों को SUV 700 मिल रहा है। मिस मत करो दोस्तों, नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन पे जाकर ऐप को पक्का से डाउनलोड करो, मेरे कहने पे मुझ पर ट्रस्ट रखो, एक बार ऐप को डाउनलोड करके टीम लगा कर देखो। बाकी आप लोग मेरे दिए गए लिंक के थ्रू अगर ऐप को डाउनलोड करते हो तो आप लोगों को भी तो कुछ बेनिफिट्स होना चाहिए। बेनिफिट क्या होगा दोस्तों, जब आप लोग एक बार ऐप को डाउनलोड कर लोगे और वॉलेट पे जब मनी ऐड कर रहे होंगे ना, तो ये दिख रहा है आप लोगों को CRIC23, इस कोड को यूज करते ही 1,000 रुपए अगर डालते हो ना वॉलेट पे, 1,200 रुपए आएंगे, 200 रुपए एक्स्ट्रा मेरी तरफ से आप लोगों को मिलेंगे। तो सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है, नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन पे ही लिंक है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, लिंक को क्लिक करोगे डाइवर्ट हो जाओगे, डाउनलोड कर लीजिएगा, वॉलेट पे मनी ऐड करते वक्त CRIC23 कोड यूज कर लीजिएगा, GST की कोई टेंशन नहीं है दोस्तों, GST आप लोगों को ऐप की तरफ से ही दी जाएगी, आप लोगों ने नहीं देना है। 1,000 रुपए डालोगे 1,200 रुपए ही आएंगे और वो रियल 1,200 होंगे, उसमें कोई बोनस वाला कंपोनेंट नहीं होगा। बाकी दोस्तों आप लोगों को इंस्टेंट 1,500 रुपए का बोनस मिलेगा। अब आप लोग बोलोगे ये बोनस का मैं क्या करूं? दोस्तों जो मेगा ग्रैंड लीग के कॉन्टेस्ट होते हैं वो होते हैं आप लोगों के 49 रुपीज के,
जब आप लोगों के वॉलेट पे ये बोनस होता है ना, तो इस बोनस से 10% कॉन्टेस्ट फीस जाता है और आप लोगों को कितना पे करना पड़ता है, 45 रुपीज पे करना पड़ता है। तो जब आप लोग मल्टीपल टाइम खेलोगे तो यही 1500 एज ए रियल मनी काम करते हैं। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन से ऐप को पक्का से डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, अब सेक्शन वाइज एनालिसिस स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं विकेट कीपिंग वाले सेक्शन को। विकेट कीपिंग वाले सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया की टीम पे आप लोगों को जोश इंग्लिश खेलते हुए दिखते हैं, जो कि थर्ड डाउन पोजीशन पे खेलते हैं। रीसेंट परफॉर्मेंस अगर आप लोग देखोगे, 0 रन, 45 रन, फिर 6 रन, फिर 5 रन, लास्ट मैच में इन्होंने अच्छी पारी खेली थी 58 रन की। बाकी ओडीआई करियर अभी तक कुछ उतना शानदार नहीं रहा है। अगर आप लोग देखोगे 10 मैच पे 200 का ही एवरेज है, 58 बेस्ट स्कोर है जो कि इन्होंने लास्ट मैच पे बनाया था, बाकी 50 दो बार बना चुके हैं। अच्छी हार्ड हिटिंग करके खेलते हैं बट अभी तक वो कंसिस्टेंसी नहीं दिखी है। दो बिग बैश पे काफी अच्छा खेले थे दोस्तों इस साल का जोश इंग्लिश, इस बात को भी नोट डाउन करके रखिएगा। मेगा ग्रैंड लीग पे ट्राई किया जा सकता है बट स्मॉल लीग पे शायद ही कोई आपका अपोनेंट इन्हें लेकर चल रहा होगा, मतलब 3 स्पॉट 4 स्पॉट तक शायद ही लोग इन्हें लेंगे। हाँ, मेगा ग्रैंड लीग पे आप लोग ट्राई करना चाहते हो कि एक हाई सिलेक्शन परसेंटेज प्लेयर के बदले मैं एक लो सिलेक्शन परसेंटेज प्लेयर ट्राई करूं, तो जोश इंग्लिश वो ऑप्शन आप लोगों के लिए बन सकते हैं क्योंकि थर्ड डाउन पोजीशन पे खेलने आते हैं। बात करूं दोस्तों पाकिस्तान की टीम की, तो यहां पर आप लोगों को मोहम्मद रिजवान खेलते हुए दिखेंगे। रिसेंट फॉर्म बहुत ही जबरदस्त दोस्तों, 2 रन, 86 रन, 86 रन, 131 रन, 49 रन। हेड टू हेड परफॉर्मेंस 13 मैच पे 35 के एवरेज से खेले हैं, बेस्ट स्कोर 115 का है और सेंचुरी 2 बार बना चुके हैं। एक नोट डाउन करने वाली बात है, अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया जब भी 50 प्लस जाते हैं ना तो 100 तक जाते हैं। यहां पर देखो ना, 51 भी नहीं है बट 102 है। इसका मतलब क्या है, अगर 50 प्लस जाते हैं तो कहां तक जाते हैं, सीधा 100 तक जाते हैं। मतलब अगर टीम पर रखते हो और आप लोगों को लगता है कि हाँ अच्छा खेलेंगे तो एक बड़ी इनिंग्स आ सकती है। तो क्या कर सकते हो, आप लोग रिस्क ले सकते हो, इन्हें कैप्टन भी बनाया जा सकता है, बैटिंग फ्रेंडली पिच है, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्लियर? अब आ जाओ दोस्तों अपने बैटिंग वाले सेक्शन पे। बैटिंग वाले सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो यहां पर ऑस्ट्रेलिया की टीम पर देखो आप लोगों को डेविड वार्नर, मिचेल मार्च, स्टीवन स्मिथ और मार्कस लबुशेने दिखते हैं। डेविड वार्नर का रिसेंट फॉर्म देखो, 53, 56, 41, 13, 11, लास्ट के 2 मैच से फ्लॉप चल रहे हैं, देख रहे हो ना, 13 और 11 रन बस। अच्छा यहां पर देखो खास बात, हेड टू हेड परफॉर्मेंस काफी अच्छा है, 13 मैच में 52 के एवरेज से खेलते हैं, अच्छा है। वेन्यू पे 2 मैच खेले हैं, 63 के एवरेज से खेले, जो कि एक जबरदस्त है दोस्तों। एक मैच में इन्होंने यहां पर 100 प्लस 124 रन बनाए थे। मतलब इस वेन्यू पे मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि बैट्समैन यहां पर डोमिनेट करने वाला है, तो ऐसे कंडीशन पे डेविड वार्नर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर बन जाता है दोस्तों आप लोगों के लिए, पिक करके चलिएगा। मिचेल मार्च की अगर मैं बात करूं तो यहां देखो, 4 रन, 96 रन, 0 रन, 7 रन, लास्ट मैच में 52 रन आया था इनका, ठीक है। बट एक चीज था जो कि बहुत गलत था, जिस तरह से ये रन आउट रहे थे दोस्तों, दूसरा रन वहां पर था ही नहीं, मतलब सुसाइड करने वाली बात थी कि नहीं मैं तो भागूंगा, मुझे आउट होना है, क्लियर, वो वाला एटीट्यूड नहीं चलेगा। और ऑब्वियस सी बात है, जब आउट होके गए होंगे ना तो टीम की तरफ से भी काफी डांट पड़ी होगी, और क्योंकि ये पिच दोस्तों रेड सॉइल पिच है और यहां पर अच्छा बाउंस मिलने वाला है, तो हो सकता है यहां पर मिचेल मार्श भी आप लोगों को बड़ी पारी खेलते हुए दिखे, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्योंकि मिचेल मार्श के साथ प्रॉब्लम क्या मालूम है, इन्हें फास्ट पिचेस पसंद है और पेसर पसंद है इन्हें, और पाकिस्तान के टीम पे क्या है, पेसर अच्छे हैं। एक ही प्रॉब्लम है दोस्तों, शाहीन शाह अफरीदी, इस बात को नोट डाउन करके रखिएगा, क्लियर। मिचेल मार्श और शाहीन शाह अफरीदी, अच्छा मैचअप रहेगा इन दोनों का, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि ये राइट हैंडेड बैट्समैन है और शाहीन शाह अफरीदी लेफ्ट हैंडेड पेस बॉलर है, तो बॉल टप्पा पड़ के अंदर आएगी, LPW बोल्ड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं नए बॉल के साथ। बट अगर डेविड वार्नर इनिशियली नए बॉल खेल जाते हैं और बॉल के जो स्विंग है उसे खत्म कर जाते हैं, मतलब 2-3 ओवर के बाद उतनी स्विंग नहीं मिलती है जो इनिशियली ओवर पे मिलेगी, तो फिर मिचेल मार्श भी बड़ा खेलेंगे तो बड़ा खेलेंगे, वरना शाहीन शाह अफरीदी इन्हें जल्दी आउट कर देगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। स्टीवन स्मिथ की बात करते हैं दोस्तों, 0, 74, 46, 19, फिर 0,
बाकी वेन्यू पे देखो, चार मैच खेला है, 75 का एवरेज है। दोबारा मैंने बोला इस वेन्यू पे रन बनते हैं, हर बैट्समैन का एवरेज आप लोगों को अच्छा दिखेगा। सेंचुरी एक बार बना चुके हैं, बाकी 11 हेड टू हेड मैच में 51 के एवरेज से खेलते हैं, 50 तीन बार और 100 दो बार, मतलब कंसिस्टेंसी देखो, 11 मैच पे 5 बार कंसिस्टेंटली खेले हैं अगेंस्ट पाकिस्तान। इस बात को नोट डाउन करके रखिएगा दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट पिक रहेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। बैटिंग वाला सेक्शन डोमिनेट करने वाला, मैंने पहले ही आप लोगों को बताया। मानस लघुशेनी की अगर मैं बात करूं तो 27-72, 27-46, 40, बाकी 3 हेड टू हेड में 29 के एवरेज से खेले हैं, वेन्यू पे एक मैच खेला है जिसमें 54 का इनका एवरेज है। मानस लघुशेनी स्पिन को थोड़ा अच्छा खेलते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, पेसर को उतने कंफर्टेबली नहीं खेलते हैं जितना मैंने इन्हें खेलते हुए देखा है, बट स्टिल आप लोग चाहो तो स्मॉल लीग पे इन चारों बैट्समैन को लेकर चल सकते हो अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम फर्स्ट इनिंग्स पे बैटिंग करने आती है तो। चेस करने आती है तो मानस लघुशेनी आप लोगों के ऊपर है, आप लोग पिक करना चाहते हो कि नहीं चाहते। बाकी बात करूं पाकिस्तान की टीम की तो यहां पर अगर आप लोग देखोगे इमामुल हक को देखो, रिकॉर्ड देखना दोस्तों ध्यान से, 7 मैच खेला है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, 69 का एवरेज है, बेस्ट स्कोर 106 रन का है, 50 दो बार, सेंचुरी दो बार, 7 मैच पे 4 मैच पे इंपैक्टफुल पारी आई है, इंपैक्टफुल पारी। सिलेक्शन परसेंटेज लो, बट ये एक पंट प्लेयर बन सकता है वेन्यू पे बैट्समैन को एडवांटेज देखते हुए और इसका हेड टू हेड परफॉर्मेंस अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया देखते हुए, इस बात को नोट डाउन करके रखिएगा। इमामुल हक को पक्का से ट्राई कीजिएगा कल के मैच पे, अगर आप लोग ड्रॉप करने की सोच रहे हो ट्राई कीजिएगा, मैं बता रहा हूं उसे हाई पोटेंशियल प्लेयर है स्टैट्स के हिसाब से, क्लियर। बाकी दिन भी रहता है देखो प्लेयर का, अगर दिन अच्छा नहीं होगा तो आउट भी हो जाएगा, बट उसने परफॉर्म किया है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। बाकी अब्दुल शफीक की अगर मैं बात करूं तो 7 रन, 19 रन, 52 रन, 113 रन, 20 रन, ज्यादा एक्सपीरियंस है नहीं दोस्तों, 6 ओडीआई मैच में 35 का ही इनका एवरेज है, 85 एक बार बना चुके हैं, सेंचुरी एक बार बना चुके हैं, थोड़ा सा स्ट्रगल कर सकते हैं अगर फीवर वाले कंडीशन से आते हैं और प्रैक्टिस का ज्यादा मौका नहीं मिला है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम फील कर सकते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा था शुभमन गिल को जब आए थे डेंगू से ना, तो पहले मैच में जल्दी आउट हुए थे, क्लियर, उस बात को नोट डाउन करके रखिए। बाबर आजम की अगर मैं बात करूं तो इनका रिकॉर्ड भी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया जबरदस्त रहता है दोस्तों, रीसेंट फॉर्म अच्छा नहीं है, 10 रन, 29 रन, 5 रन, 10 रन, 50 रन, बट इस चीज को देखो, हेड टू हेड 9 मैच पे 73 का एवरेज है, बेस्ट स्कोर 114 का है, 50 दो बार और सेंचुरी तीन बार, 9 मैच पे 3 बार सेंचुरी दोस्तों मायने रखती है, सीरियसली बता रहा हूं मायने रखता है। 111 ओडीआई मैच पे दोस्तों 19 सेंचुरी और 29 हाफ सेंचुरी मायने रखती है, कंसिस्टेंसी दिखाती है, चले नहीं है 5 मैच हो गए बड़ा आएंगे दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। कैप्टन लेकर चला जा सकता है, यहां तक बोलता हूं आप लोगों को, कैप्टन के इंपॉर्टेंट कंटेंडर है। बाकी बात करूं स्वात शकील की तो हेड टू हेड रिकॉर्ड सही नहीं है दोस्तों, 2 मैच पे 3 का ही एवरेज है, बाकी ओडीआई पे 9 मैच पे अभी 25 का ही एवरेज है, करियर अभी स्टार्ट ही हो रहा है, 9 रन, 68 रन, 31 रन, 6 रन, प्लेयर अच्छे हैं, टेक्निकल बैट्समैन है, बढ़िया खेलते हैं शॉट शकील, अब्दुल शफीक, इन्हें छोड़कर बाकी सब तो इंपॉर्टेंट होने वाले, बट मेगा ग्रैंड लीग पे बाकी सब में से एक प्लेयर को ड्रॉप करके शॉट शकील या अब्दुल शफीक को ट्राई किया जा सकता है, लो सिलेक्शन परसेंटेज प्लेयर, क्लियर है अभी तक। अब आ जाओ दोस्तों अपने ऑलराउंडर वाले सेक्शन, ऑलराउंडर वाले सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आप लोगों को ग्लेन मैक्सवेल और मार्कस स्टॉइनिश दिखेंगे, रेड सॉइल पिच हो सकता है यहां पर, लास्ट मैच में अगर आप लोग देखोगे मार्कस स्टॉइनिश ने 2 ओवर डाले थे, ग्लेन मैक्सवेल ने 10 ओवर डाले थे, इस मैच में उल्टा हो सकता है, मार्कस स्टॉइनिश आप लोगों को 6-8 ओवर डालता हुआ दिख सकता है और हो सकता है यहां पर आप लोगों को 4-6 ओवर ही दिखे, नोट डाउन कीजिएगा इस बात को। अगर रेड सॉइल की पिच रहती है और बॉलर को एडवांटेज रहता है, पेसर को एडवांटेज रहता है, तो मार्कस स्टॉइनिश ज्यादा ओवर डालेगा, क्लियर, वरना यहां पर ग्लेन मैक्सवेल के पास एक ही एडवांटेज है कि मार्कस स्टॉइनिश से ऊपर बैटिंग खेलने आता है, बट ग्लेन मैक्सवेल को कोई परवाह नहीं होता दोस्तों, वो ओडीआई खेल रहा है, टेस्ट मैच खेल रहा है, T20 खेल रहा है, उसने सारे फॉर्मेट में T20 के हिसाब से ही खेलना है, लास्ट मैच में भी देखा 31 रन बनाया, टीम को था कि रुक कर खेलना, बट उसने बोला कोई परवाह नहीं मुझे, मैं आ गया हूं, रन भाई बनाएगा, ताबड़तोड़ खेल कर गया,
अच्छे रन बना कर गया, बट उस टाइम पे टीम को जरूरत क्या थी, टीम को जरूरत थी थोड़ी सी टिक कर खेलने की, बट वो खेलता है अपने हिसाब से खेलता है, बट रीसेंट फॉर्म पे पॉइंट दे रहा है, 2 विकेट निकाला है यहाँ, 1 विकेट निकाला है यहाँ, 4 विकेट निकाला, इंडियन कंडीशंस सूट करते हैं उन्हें, क्लियर, इस बात को ध्यान रखिएगा, आईपीएल खेलते हैं तो यूज टू रहते हैं ना, इस बात को भी नोट डाउन करके रखिएगा। इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे दोस्तों, 2 रेड सॉइल के पीछे, बट स्टिल ड्रॉप करना काफी रिस्की रह सकता है, बट मार्कस स्टॉइनिश ये ग्लेन मैक्सवेल के ऊपर मैं इन्हें प्रायोरिटी दूंगा कल के मैच में, क्लियर, दो ये बहुत एक रिस्की स्टेप रह सकता है, बट मैं क्या करूंगा ना, 2 टीम बना दूंगा, एक पे ग्लेन मैक्सवेल को रख लूंगा, एक पे मार्कस स्टॉइनिश को रख लूंगा, सिंपल, मेगा ग्रैंड लीग की स्ट्रेटेजीज बता रहा हूं। बाकी मार्कस स्टॉइनिश ने लास्ट मैच पे 20 रन बनाए थे, विकेटलेस गए थे, उससे पहले 5 रन विकेटलेस, 29 रन विकेटलेस, इंडियन कंडीशन सेम प्रॉब्लम, परफॉर्म नहीं कर पाते पेसर यहां पर, क्यों मालूम है, क्योंकि इंडियन कंडीशंस के यूज टू नहीं है ना ये सारे बॉल्स, क्लियर है, तो समझ गए ना, कंडीशन समझ गए ना, 2 टीम बना लेना, रिस्क कम हो जाएगा, एक पे ग्लेन मैक्सवेल को ले लिया, एक पे मार्कस स्टॉइनिश को ले लिया, सिंपल सी बात। पाकिस्तान की टीम पे दोस्तों आप लोगों को दिखते हैं इफ्तिकार अहमद, शदाब खान और मोहम्मद नवाज। इफ्तिकार अहमद की अगर मैं बात करूं तो कुछ खास फॉर्म तो दिखा नहीं है मुझे अभी तक, 9 रन 1 विकेट, 22 रन 0 विकेट, 4 रन विकेटलेस, कुछ खास नहीं कर पाए, हेड टू हेड 3 मैच खेला है, 10 का एवरेज है, 2 ही विकेट है, कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है। रेड सॉइल पे बॉलिंग से भी कुछ ज्यादा इंपैक्ट नहीं डाल पाएंगे, बैटिंग से कर सकते हैं, ताबड़तोड़ खेलते हैं, वही वाला कंडीशन है, सेम है ग्लेन मैक्सवेल वाला हिसाब है इफ्तिकार अहमद का भी। शदाब खान क्लास बॉलर है दोस्तों, बट फॉर्म एकदम समझ गए, 1 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 0 विकेट, 67 मैचेस पे 85 विकेट है दोस्तों, 50 4 बार बना चुके हैं, 4 विकेट होल्ड 5 बार कर चुके हैं, जो कि काफी एक अच्छी पारी है, बट रीसेंट फॉर्म पे विकेट नहीं निकाल पा रहे, पता नहीं क्यों नहीं निकाल पा रहे, ठीक है, और बैटिंग पे भी आगे कुछ खास नहीं कर पा रहे, 32 रन बैटिंग नहीं, 2 रन 3 रन कुछ खास नहीं किया, मतलब बहुत खराब चल रहा है फॉर्म। आप लोग देख लो, शदाब खान को 4 ओवर मिले हैं, मोहम्मद नवाज को 8.3 ओवर मिले थे लास्ट मैच में, जबकि शदाब खान मोहम्मद नवाज से बहुत ऊपर का बॉलर है स्टैंडर्ड पे, बट रीसेंट फॉर्म उसका अच्छा नहीं है। वही बात करूं मोहम्मद नवाज की तो 39 रन 1 विकेट 1 विकेट 4 रन 0 विकेट, ये भी कुछ खास नहीं कर, मतलब जो पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम आ रही है ना वो ये है कि इनका ऑलराउंडर वाला सेक्शन ना परफॉर्म नहीं कर रहा है, 3 में से सिर्फ 1 को ट्राई कीजिएगा, 2 को ट्राई करने की जरूरत भी नहीं है, क्लियर, सेकेंड इनिंग्स पे शदाब खान या मोहम्मद नवाज को ट्राई कर सकते हो, फर्स्ट इनिंग पे इफ्तिकार अहमद को ट्राई कीजिएगा, क्लियर, अब मतलब सेकेंड इनिंग्स पे अगर पाकिस्तान की टीम बॉलिंग करने आती है, क्लियर है, बाकी सीवीसी मत रखिएगा शदाब खान को, उतना कुछ अच्छी बॉलिंग अभी के टाइम पर नहीं कर रहा है, काफी लोग लेकर आते हैं, इनिशियली मैं भी लेकर आया था, बिकॉज मुझे लगा था इंडियन कंडीशन पे शदाब खान अच्छा करेंगे, जिस तरह से हमारे टीम पर कुलदीप यादव कर रहे हैं, रविंद्र जडेजा कर रहे हैं, हर टीम के जैसे ग्लेन मैक्सवेल कर रहे हैं टीम के लिए, वही उम्मीद थी उनसे, बट अभी के टाइम पे आउट ऑफ फॉर्म पे, इस बात को याद रखिएगा। बाकी गिव अवे भी रखते हैं दोस्तों आप सभी लोगों के लिए, 1 लाख रुपए का कैश अवार्ड है, एक सिंपल सा क्वेश्चन है और एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को पक्का से लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 5000 लाइक्स और इस वीडियो का सब्सक्राइबर टारगेट रखते हैं 2000 सब्सक्राइबर, तो सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को पक्का से सब्सक्राइब कीजिएगा, और जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज वीडियो को लाइक पक्का से कीजिएगा। बाकी गिव अवे का क्वेश्चन है, ग्लेन मैक्सवेल इस मैच में कितना रन बनाएगा प्लस बॉलिंग का क्या फिगर रहता है, अगर आप लोगों को लगता है कि ग्लेन मैक्सवेल इस मैच पे 38 रन बनाएगा और 1 विकेट लेगा 42 रन देकर, तो आप लोगों ने ऐसे लिखना है, जिनका जवाब दोस्तों एग्जैक्ट सही जाएगा वो इस मैच पे 1 लाख रुपए का कैश अवार्ड जीतेगा तुरंत, बट जवाब एकदम सही होना चाहिए, क्लियर, ये नहीं होना चाहिए कि मेरा जवाब आसपास है, एग्जैक्ट जवाब होना चाहिए आप लोगों का, वीडियो को आप लोगों ने लाइक किया हुआ होना चाहिए, टेलीग्राम ग्रुप आप लोगों ने ज्वाइन किया हुआ होना चाहिए और यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ होना चाहिए। बाकी आ जाओ अब अपने बॉलिंग वाले सेक्शन पे, बॉलिंग वाले सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो यहां पर ऑस्ट्रेलिया की टीम पे आप लोगों को मिचेल स्टार्क, पैट क्यूमिंस, एडम जैपा और जोश हेजलवुड दिखेंगे। मिचेल स्टार्क दोस्तों अच्छे बॉलर है, हर मैच में विकेट निकालते हैं, यहां देखो 2 विकेट 2 विकेट, हेड टू हेड परफॉर्मेंस देखो जबरदस्त है यार, 10 मैच खेले हैं 23 विकेट निकाले इन्होंने,
चार विकेट होल्ड, दो बार पांच विकेट होल्ड, एक बार मतलब 10 मैच में 3 मैच में एज अ कैप्टन खेले अगेंस्ट पाकिस्तान, काफी अच्छा स्टैट्स है, मस्ट पिक है दोस्तों। मिशेल स्टार्क को लेकर चलिएगा, अच्छी बॉलिंग करते हैं। पैट क्यूमिंस की अगर मैं बात करूं, एक विकेट, जीरो विकेट, एक विकेट, दो विकेट, 7 ओवर डाले थे लास्ट मैच पे, 7 हेड टू हेड मैच पे 13 विकेट है, वेन्यू पे देखो 2 मैच पे एक ही विकेट है, इसके भी वेन्यू पे एक मैच पे 0 विकेट है, क्योंकि वेन्यू पे विकेट नहीं मिलते हैं, वेन्यू बैट्समैन को फेवर करती है। तो सीवीसी बॉलिंग वाले सेक्शन से मत कीजिएगा, ठीक है ना। बाकी एडम जैम्पा 2 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 4 विकेट, 10 मैच पे 17 विकेट है, वेन्यू पे 2 मैच पे 2 विकेट है। सेकेंड इनिंग्स में अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम बॉलिंग करने आती है तो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, एक बार पिच 70 ओवर खेल जाएगी ना तो थोड़ा सा स्पिन को एडवांटेज मिलने लगेगा, क्लियर। बाकी जोश हेजलवुड की अगर मैं बात करूं तो फॉर्म उतना कुछ खास नहीं चल रहा है अभी के टाइम पे, देखोगे तो 3 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, वेन्यू पे 1 मैच खेला है, 1 विकेट निकाला है, हेड टू हेड 5 मैच पे 11 विकेट है, वैसे 77 मैच पे 120 विकेट है। फर्स्ट इनिंग्स में ट्राई किया जा सकता है, सेकंड इनिंग्स में उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहे। बाकी पाकिस्तान की टीम से हसन अली आप लोगों को दिखेंगे, 0 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, 4 विकेट, 1 विकेट, हेड टू हेड 7 मैच पे 13 विकेट है इनके पास। शाहीन शाह अफरीदी दिखेंगे, इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड अच्छा है, 3 मैच पे 8 विकेट है, 1 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, इंपॉर्टेंट रहेंगे अगर खेलते हैं तो। मोहम्मद वसीम जूनियर अगर खेलता है ना तो उस केस पे आप लोग हरीश श्रॉफ को ट्राई कर सकते हो शाहीन शाह अफरीदी के बदले, और मोहम्मद वसीम जूनियर को ड्रॉप कर सकते हो। बाकी हरीश श्रॉफ को देखो तो 4 विकेट, 0 विकेट, 3 विकेट, 2 विकेट, 0 विकेट, 3 मैच में 5 विकेट है, ये भी फर्स्ट इनिंग्स पे तो इंपॉर्टेंट रहेंगे। फर्स्ट इनिंग्स में पाकिस्तान की टीम बॉलिंग करने आती है तो इन दोनों को ट्राई किया जा सकता है, क्योंकि पेसर को एडवांटेज है, फर्स्ट इनिंग्स में डेप्थ पे बॉलिंग करने आएंगे तो विकेट्स निकाल सकते हैं। ज्यादा बॉलर वाले सेक्शन को डोमिनेट करने की कोशिश मत कीजिएगा इस मैच में, जो टीम मैंने बनाई है एज पर स्टैट्स और एज पर पिच रिपोर्ट अवेलेबल एट प्रेजेंट उसे देख लीजिए कैसी। मैंने मोहम्मद रिजवान को लिया है, मैंने बैटिंग वाले सेक्शन से डेविड वार्नर, स्टीवन स्मिथ, मिशेल मार्श और मानस लबुशेने को लिया है, यहां पर मैंने बाबर आजम और इमामुल हक को लिया है, ये दोनों ऑप्शनल प्लेयर है बट मैं लेकर चलूंगा। आप लोग चाहो तो इजिली इन दोनों में से एक प्लेयर को ड्रॉप करके, मतलब या तो मिशेल मार्श को ड्रॉप करो या मानस लबुशेने को ड्रॉप करो और एक एक्स्ट्रा प्लेयर बचेगा, उसे कैसे यूज करना है उस बात को भी मैं आप लोगों को समझा देता हूं। बाकी ऑलराउंडर वाले सेक्शन पे ग्लेन मैक्सवेल है, उस प्लेयर को आप लोग यहां पर यूज कर सकते हो सीधा सीधा, या तो आप शदाब खान को ले लेना, या आप लोग इफ्तिकार अहमद को ले लेना, या आप लोग मोहम्मद नवाज को ले लेना, क्लियर, इन दोनों में से एक प्लेयर को ड्रॉप करके। बाकी बॉलिंग वाले सेक्शन पे मिचेल स्टार्क है, और अभी के टाइम पे मैं सोच रहा हूँ कि पाकिस्तान की टीम पहले बॉलिंग करने आ रही है, इसीलिए मैंने ऑस्ट्रेलिया के बैटिंग वाले सेक्शन को डोमिनेट किया है। मिशेल स्टार्क, शाहीन शाह अफरीदी और हरीश राउफ रहेंगे। सीवीसी के कंटेंडर सुनो, सीवीसी के कंटेंडर एक तो बाबर आजम रहेगा इस मैच में, डेविड वार्नर और स्टीवन स्मिथ, ये 3 दिख रहे हैं आप लोगों को, इन तीनों में से एक की तो यहां पर सेंचुरी तो लगेगी, हाई चांसेस, क्योंकि वेन्यू पे रन बनते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। बाकी वाइस कैप्टन का कंटेंडर दोस्तों मोहम्मद रिजवान हो सकता है, ग्लेन मैक्सवेल हो सकता है, अगर डेथ पे बॉलिंग मिलती है और 3 विकेट निकाल देते हैं तो शाहीन शाह अफरीदी या हरीश राउफ हो सकता है, इस तरह से आप लोग अपनी टीम को क्रिएट कर सकते हो इस मैच के लिए। बाकी एक इंपॉर्टेंट और जरूरी बात मैंने आप लोगों को बताया था, अगर उस टाइम आप लोगों ने नहीं किया था तो अभी पक्का से कर लीजिए, क्या करना है आप लोगों ने, माई 11 सर्कल ऐप को डाउनलोड करना है। कहां से करोगे, नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन पे लिंक है, लिंक के थ्रू ऐप को डाउनलोड करोगे। एक और जरूरी बात दोस्तों, इस खेल पे आदत लगना और आर्थिक जोखिम संभव है, तो सभी लोग जिम्मेदारी से खेलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।